चिल्ड वाटर टैंक और मेकअप टैंक, आप में से शायद कई लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो सही वीडियो के अंदर आए हैं। आपको इसके अंदर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं मेकअप टैंक के बारे में। क्या मेकअप टैंक वाटर कूल चिलर में यूज़ किया जाता है या सिर्फ एयर कूल चिलर्स में ही मेकअप टैंक पाया जाता है, इसके बारे में बताऊँगा। एक वाटर साइकिल इसके साथ जुड़ी हुई है उसको बताऊँगा। साथ के साथ चिलर के अंदर कौन कौन से पार्ट कनेक्ट रहते हैं मेकअप टैंक या चिल्ड वाटर टैंक के साथ, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मेकअप टैंक के बारे में। प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन ना पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, मेकअप टैंक एक पार्ट है चिलर का। HVAC सिस्टम में एयर कूल्ड हो या वाटर कूल्ड आपका चिलर हो, दोनों में आपको मेकअप टैंक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि इससे पहले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था, एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जी हाँ, जो कंडेंसर होता है दोनों में वो अलग अलग पाए जाते हैं। जो वाटर कूल चिलर होता है उसमें जो कंडेंसर होता है वो साइलेंट ट्यूब टाइप का होता है, और जो एयर कूल चिलर्स होते हैं, जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं, कॉइल टाइप का कंडेंसर पाया जाता है जिसमें रेफ्रिजरेंट रन करता है और अपनी हीट को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करता है। वहीं जो वाटर कूल चिलर्स होते हैं उसमें लगभग जो इवेपोरेटर इस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप सामने इवेपोरेटर देख पा रहे हैं, तो इसी तरीके का कंडेंसर जो साइलेंट ट्यूब टाइप का कंडेंसर कहलाता है, इसी टाइप का कंडेंसर होता है। सेम जैसे आप ये इवेपोरेटर देख पा रहे हैं ना, जिसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है, ये इवेपोरेटर सेम कंडेंसर की तरह ही दिखता है या होता है वाटर कूल चिलर्स के अंदर, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट और वाटर दोनों रन करते हैं और वो अपनी हीट को वाटर में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये वाटर कूल चिलर की बात है। वहीं जो आपका एयर कूल कंडेंसर होता है उसमें क्या होता है, आपके जो कंडेंसर है वो इस कॉइल टाइप के होते हैं जिसमें खाली रेफ्रिजरेंट रन करता है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इससे क्या बात निकल के आती है या क्या कंक्लूजन निकल के आता है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इस सिस्टम के अंदर यानी कि एयर कूल चिलर्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर साइकिल देखने को मिलती है, जो कि होती है चिल्ड वाटर साइकिल। आपको इसमें कंडेंसर या हॉट वाटर साइकिल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या है, आपका जो कंडेंसर है वो डायरेक्ट अपनी हीट को या सॉरी रेफ्रिजरेंट अपनी हीट को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहा है, जबकि वाटर कूल्ड कंडेंसर में आपको रेफ्रिजरेंट की हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपके लिए अलग से कंडेंसर पंप लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो मेकअप टैंक क्या वाटर कूल चिलर्स में लगाया जाता है? जी हाँ, ऑब्वियसली बात है लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर दोनों साइकिल होती हैं, चिल्ड वाटर साइकिल भी होती है और आपकी जो कंडेंसर वाटर साइकिल है वो दोनों पाई जाती है। एयर कूल में आपको खाली चिल्ड वाटर साइकिल देखने को मिलेगी। तो मेकअप टैंक क्या होता है, कहाँ लगा होता है, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मेकअप टैंक क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा टैंक है जिस पर ऊपर लिखा है चिल्ड वाटर टैंक, ग्रीन कलर का। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है क्योंकि बहुत पुराना है। तो अभी हमने खाली इसकी सीखना है कि ये क्यों लगाया जाता है, क्या है, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पानी स्टोरेज रहता है। अब वो पानी किस चीज़ के लिए स्टोर रहता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये टैंक देख लीजिए, उसके साथ एक लाइन कनेक्ट है, ये लाइन कहाँ जाती है वो भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मेकअप टैंक है, ये मेकअप टैंक के अंदर पानी स्टोर रहता है। वो पानी स्टोर रहता है किस पर्पज़ के लिए, वो इस लाइन के अंदर पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो पानी को इस लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पर वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा पंप रूम है, ये फायर के पंप हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारे चिल्ड वाटर पंप हैं। तो वो जो लाइन थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर वाली आप लाइन देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन आ रही है इस साइड पर, आप देखते रहिएगा आगे, ये आके हमारे जाती है कहाँ पर, पंप में। जी हाँ,
ये लाइन आई इस साइड से ऊपर वाली, इस साइड वाली है ये, आके डायरेक्ट जाती है हमारे पंप के अंदर। तो ये पंप है हमारा चिल्ड वाटर पंप। तो ये पंप के थ्रू पानी का प्रेशर बढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आपको जहाँ पर पंप लगा होता है वहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए पंप को लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये पंप पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए लगाया गया है। एक बटरफ्लाई वॉल लगा है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आपके दो इंडिकेटर्स हैं या प्रेशर गेज हैं। उसके बाद आप देख सकते होंगे यहाँ से ये पंप पानी का प्रेशर बढ़ाएगा और ये जाएगा इस साइड में। इस साइड से जाते हुए आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जा रहा है, ये जाएगा डायरेक्ट हमारे इवेपोरेटर के अंदर। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक लाइन ऊपर गई है फिर एक आगे को गई है, जो ऊपर गई है वो आई है हमारे इवेपोरेटर के अंदर। तो ये है हमारा एयर कूल चिलर जिसका इवेपोरेटर आप देख पा रहे होंगे, ये है सैलेंट ट्यूब टाइप का, ये इसका इनलेट है। तो यहाँ से चिल्ड वाटर पंप से पानी आता है। यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई वाल लगा है, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है पानी के टेम्परेचर के लिए, एक प्रेशर गेज है पानी के प्रेशर के लिए। यहाँ पर एक आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इंडिकेटर है पानी के इनलेट के टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इवेपोरेटर है, यहाँ पर पानी इंटर करता है, इसके बाद पानी ठंडा होने के बाद इस साइड से बाहर निकलता है। तो ये एक बैलेंसिंग वाल है, एक फ्लो स्विच है इस पे भी, और एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेशर गेज, और एक ये बटरफ्लाई वाल है। तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग वाल से पता चल जाना चाहिए कि ये इसकी आउटलेट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनलेट और आउटलेट में डिफरेंस क्रिएट करो, आपको अगर कलर का पता नहीं है या उस पर कोई इंडिकेशन नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे। आउटलेट पे हमेशा आपको बैलेंसिंग वाल देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल आपको बताता हूँ कि ये जो टैंक है ये किस तरीके से जुड़ा होता है। तो एक पार्ट तो आपने देख लिया हमारा चिलर पंप, उसके बाद इवेपोरेटर। टैंक ये रहा, थोड़ा सा डैमेज हो चुका है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद ये लाइन जाएगी आगे हमारे पंप में, पंप पानी का प्रेशर बढ़ाएगा, भेजेगा कहाँ पर, हमारे इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से जाएगा ये आगे। आगे कहाँ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लाइन जा रही है इस साइड पर, आप देख सकते हैं, एक एक करके सारा सिस्टम दिखाने वाला हूँ। तो ये लाइन यहाँ से आई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से होते हुए ये वाटर लाइन है, ये भी थोड़ी सी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। यहाँ से आगे जाएगी ये इस साइड को बिल्डिंग के दूसरे छोर पे, यहाँ से होते हुए ये जाती है हमारे बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पे, या इससे नीचे वाला जो फ्लोर है उस साइड पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये नीचे चली जाती है। अब नीचे कहाँ जाती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने देखा जो मेकअप टैंक है उसके थ्रू जो पानी है वो कहाँ पर रन करता है, चिल्ड वाटर लाइन में। चिल्ड वाटर लाइन कहाँ पर होती है, चिल्ड वाटर लाइन इवेपोरेटर, चिल्ड वाटर पंप, और उसके बाद बिल्डिंग में जहाँ पर हमको चिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको भेजा जाता है। अब वो कहाँ भेजा जाता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेकअप टैंक क्या वाटर कूल्ड चिलर्स में पाया जाता है? बिल्कुल, वाटर कूल्ड चिलर्स में भी मेकअप टैंक होता है, क्योंकि जो चिल्ड वाटर लाइन होती है वो आपकी कहाँ पर, चिल्ड वाटर लाइन आपकी वाटर कूल्ड चिलर्स में भी पाई जाती है। वहाँ पर दो वाटर साइकिल होती हैं, एक होती है आपकी कंडेंसर वाटर साइकिल और दूसरी होती है आपकी चिल्ड वाटर साइकिल। तो आप इसे समझ गए होंगे जो मेकअप टैंक है वह दोनों ही चिलर्स में पाया जाता है, एयर कूल्ड में भी और वाटर कूल्ड में भी। अब वाटर साइकिल इसमें कैसे रन करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही पानी यहाँ से निकला आपका मेकअप टैंक से, वो जाएगा आपका कहाँ, पंप में। पंप प्रेशर बढ़ाएगा, चिलर में जाएगा या इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से होते हुए नीचे जाएगा। अब नीचे कहाँ जाएगा अभी दिखाने वाला हूँ, बट आप ये समझिए जो मेकअप टैंक है वो उतना जल्दी खाली नहीं होता है। जी हाँ, इसमें जो पानी का लेवल है वो बहुत जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी का इवेपोरेशन उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, जो वाष्पीकरण है वो बहुत कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कंडेंसर होता है उसमें पानी का स्तर बहुत जल्दी गिर जाता है, या ये कह लीजिए जो कूलिंग टावर होता है उसमें पानी का लेवल आपको बार बार चेक करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर वो होते हैं आपके वाटर कूल चिलर्स में जो कूलिंग टावर लगे होते हैं उसमें पानी के इवेपोरेशन होने की जो क्षमता है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो पानी के टच में रहता है, ओपन में रहता है। जबकि ये एक बंद लाइन होती है, इसमें पानी ओपन में नहीं आता कभी भी। जैसे कि ये टैंक है, इसके बाद जितनी भी लाइन जाएगी आगे को वो पूरी पैक है, यानी कि बंद है, इसलिए पानी कभी ओपन हवा के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिससे कि इसमें पानी का इवेपोरेशन बहुत कम मात्रा में होता है। इसीलिए ये इसको बहुत कम, मतलब ये कह लीजिए ना के बराबर ही भरना पड़ता है। अगर आप एक बार सुबह चेक कर लिया तो बहुत है,
नहीं तो अगर आप कूलिंग टावर में आपने देखा होगा, वहाँ पर आपको हर एक घंटे में चेक करना पड़ता है कि पानी कम तो नहीं हो गया, कूलिंग टावर में पानी कम तो नहीं हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो हवा के संपर्क से कभी थोड़ा उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, जिससे कि उसका लेवल गिर जाता है। इसी कारण ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, कूलिंग टावर में और ये मेकअप टैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो मेकअप टैंक है आप समझ गए होंगे, चिल्ड वाटर टैंक है जिसमें आपका इवेपोरेटर चिल्ड वाटर पंप आता है। तो उसके बाद ये कहाँ जाता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलिए चलते हैं, आपको आगे दिखाता हूँ ये कहाँ तक जाता है। तो आपको बता दिया मैंने, चिलर पे ये इवेपोरेटर पे लगा रहता है, उसके बाद ये जाता है हमारे बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर हमको कूलिंग की ज़रूरत होती है हम वहाँ पर इसको पहुँचाएँगे, कैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों बिल्डिंग के अंदर ये हमारा AHU है, AHU नंबर 5, तो इसी के अंदर वो लाइन आई है जो मैंने आपको ऊपर को दिखाई थी, भी ऊपर टेरेस पे जो लाइन दिखाई थी वो डायरेक्ट आती है यहाँ पर, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है सीधे टेरेस से आ रही है ऊपर साइड से, आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर से ये सीधे नीचे को जा रही है, नीचे भी और AHU लगे हैं तो वहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो लाइन है, इसमें से एक इनलेट है एक आउटलेट है, दोनों पे आपका ये देख पा रहे होंगे दोनों पे थर्मामीटर है और यहाँ पर दो प्रेशर गेज है। अब आउटलेट की कौन सी है, तो मैंने जैसा आपको बताया था इसमें एक बैलेंसिंग वाल लगा होगा यहाँ पर जो कि पूरा पैक है आई थिंक, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे ये आउटलेट आपको दिख जाएगी, अगर आपको इस साइड से दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं ये बैलेंसिंग वाल है और यहाँ पर दो बटरफ्लाई वाल लगे हुए हैं जिससे हम इसको पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक AHU है, तो आपको जैसे मैंने बताया तो पानी इसके अंदर इंटर करता है और वापस जाता है हमारे कहाँ पर, जहाँ पर ये लाइन वापस ऊपर को होते हुए आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जाती है वापस टेरेस में और ये साइकिल पूरी चलती रहती है। तो साइकिल आपको समझ में आ चुकी होगी, तो साइकिल के अंदर आपको मैं बताऊँ, आपका पहले आता है मेकअप टैंक, उसके बाद आएगा आपका वाटर चिल्ड वाटर पंप हो गया, उसके बाद आपका इवेपोरेटर और उसके बाद आपका AHU। तो ये जो ठंडा पानी पूरा साइकिल है ठंडे पानी की ऐसे कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले मेकअप टैंक को आपको भरने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें पानी इवेपोरेट जल्दी नहीं होता है, जबकि आपका जो कूलिंग टावर है उसको आपको बार बार चेक करना पड़ता है, तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में। तो मेकअप टैंक एयर कूल में भी होता है और वाटर कूल में भी होता है। तो वाटर साइकिल की बात करें, समझा दिया है आपको, मेकअप टैंक से होता हुआ आपका पानी जाता है चिल्ड वाटर पंप में, वहाँ से आपका इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर से आपका AHU में। AHU के अलावा भी अगर जहाँ पर आपको ठंडे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पर कूलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको लाइन पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है चिल्ड वाटर साइकिल की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।